ओके यार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर साइंस क्लास। और अभी तक हम, अगर आपको पता हो, हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली है। हमने पढ़ लिया है आपका मोशन के बारे में, हमने पढ़े डिस्टेंस के बारे में, हमने पढ़े डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और हम पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं। और हमने क्या पढ़ा था आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ा था लास्ट यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें हमने एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस और टाइम के बारे में, डिस्टेंस और टाइम। अब दूसरा हमारा जो ग्राफ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में। क्या है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इसको डिस्कस करते हैं फटाफट से। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर आपके पास ये एक डिस्टेंस यानी टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है, और आपकी ये वाला आ रहा है, अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपका ग्राफ में आपका जो टाइम के साथ में वेलोसिटी सेम चल रही है, टाइम के साथ में जो आपको वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो आपकी बिल्कुल पैरेलल जा रही है, कैसी जा रही है, इस एक्सेसिस के पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ में आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच में, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, ए और बी के बीच में, इसके दोनों सेम ही पॉइंट है, पर मैं पूछ रहा हूँ आपको डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए टू बी, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में हम बात कर रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और टाइम निकालना होता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और इसको हम शेड कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। यानी कि अगर हम स्पीड का, यानी कि वेलोसिटी, हम जिस चीज की बात करें वेलोसिटी की बात, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ जाएगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल। यानी कि अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, तो हम आराम से इसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला ग्राफ के, अगर ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ में स्पीड को और वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो वो मोशन कहलाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरी आपकी मोशन हो जाएगी, अगर इसी ग्राफ को हम दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, ये वेलोसिटी ये टाइम है और आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, ये कर्व आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, जो स्पीड है, वो टाइम के साथ बढ़ रही है, बट वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है टाइम के साथ में, ठीक है। यह आपका ग्राफ आता कुछ इस तरीके से, तो हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ किया और आपकी लाइन कुछ इस तरीके कर्व में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। एक नया टर्म आएगा जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचा, आपने क्या किया, वेलोसिटी और टाइम में आपने ग्राफ खींचा और वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये वेलोसिटी और ये टाइम, और वो ऐसे आ रहा है या वो ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये वाली मोशन आपको दिख रही है वेलोसिटी और टाइम में, तो आप इसको बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी कि स्पीड तो, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बट वो यूनिफॉर्मली हो रही है, उसकी जो कैलिबर हो रहा है, वो जो स्पीड को बढ़ा रहा है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन में बढ़ा रहा है, मतलब ये कहलाती है आपकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। क्या कहलाती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो टाइम के साथ में बढ़ रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो ये हमने दो ग्राफ पढ़ लिए यहाँ पे, क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे, दो ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब इसी के बेसिस पे हमारा, अगर हम इसी ग्राफ को, इस वाले पर्टिकुलर, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें, तो हमें दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको इस डिस्टेंस निकालनी हो, क्या निकालनी हो, डिस्टेंस,
तो आप क्या निकाल दो वहां पे कि जो भी आपका ये आया है, सपोज ये आपका वेलोसिटी लाइन ग्राफ है और ये आपकी मोशन है। अब वो पूछता है कि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बच्चों ये बात आपको दिमाग में अच्छे तरीके से बांध लेनी है कि डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आप इसको यहां से शेड कर लोगे और इस शेडेड रीजन का एरिया निकाल दोगे। तो इस शेडेड एरिया का जो रीजन होगा, वो जो पूरा एरिया होगा, इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो कहलाएगा आपका डिस्टेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? वो आपका डिस्टेंस, ठीक है। और ये जो स्लोप होता है, ये मैंने आपको पहले बताया, इस स्लोप का मतलब क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब क्या है? आपका एक्सेलरेशन। क्या है ये? आपका एक्सेलरेशन। यानी कि अगर आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका एरिया निकालना है तो वो एरिया इक्विवेलेंट होगा डिस्टेंस के। किसके बराबर होगा? वो डिस्टेंस के। और जो स्लोप होगा ये किसके बराबर होगा? वो आपका एक्सेलरेशन के। किसके बराबर जाएगा? वो आपका एक्सेलरेशन के, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी हम यहाँ पे मोशन की वो निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपने पढ़ी होंगी या आप पढ़ोगे उनको, इनके बेसिस पे ही अगर हमें क्या करना है, हमारी तीन इक्वेशन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। अगर हमें ये तीनों मोशंस को ड्राइव करना है, अगर हमें इन तीनों मोशंस को ड्राइव करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए हम इनको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं पहली वाली इक्वेशन को, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे इनके मीनिंग आपको पता ही है। v क्या है? आपकी फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी। और ए क्या है? आपका एक्सेलरेशन। और टी क्या है? आपका टाइम टेकन। टी क्या है? आपका टाइम टेकन, ठीक है। चलिए इन टर्म्स को ध्यान में रख के हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका वेलोसिटी और ये टाइम। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी किस कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाएंगे ऐसे। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इसको मान लो आप ए पॉइंट और इसको मान लो आप बी पॉइंट। तो ये ए बी का जो स्लोप होगा, ए बी का जो स्लोप होगा वो कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन। मैंने आपको अभी बताया। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ, क्या ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे? परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या खींच लूँ, एक एंगल बना लूँ, इसको यहाँ से बुला लूँ, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, बेसिकली जो स्लोप निकालना होगा, इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी? स्लोप की वैल्यू होगी आपकी, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या, अगर मैं लिखूँ स्लोप ऑफ ए बी, वो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका बी है, इसको मैंने एम मान लिया, बी एम अपॉन एम ई। क्या हो जाएगी वो? बी एम अपॉन एम ए, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए बी को लेट से मैंने सिंबल बना दिया यहाँ पे ए, क्या नाम दिया मैंने यहाँ पे ए। तो आपका एम बी क्या हो जाएगा? सोचो अगर ये यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी है वो यू है, और यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी? वो वी है पूरी। तो ये वाला क्या आपका बी एम वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका? ये इसको मान लो मैंने एन मान लिया, सो बी एन माइनस एम एन अपॉन एम ए। एम ए बराबर होगा इसके एन ओ के, फिर क्या होगा वो एन ओ के। यानी कि बी एन जो है आपका वो बन गया आपका वी, और एम एन क्या आपका यू, और ये आ गया आपका टी इक्वल टू ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? वी माइनस यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? वो ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी इक्वेशन वन प्रूव हो गई, ठीक है बच्चों। बहुत इजी थी,
कोई डिफिकल्ट वाले तो कि उसमें कोई बात ही नहीं थी। यहाँ पे फटाफट से हम करते हैं सेकंड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ हमारा यही रहेगा, तो अगर आपने ग्राफ नहीं बनाया हो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना ग्राफ को ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट करूँगा यहाँ से। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, प्रूव करना है एफ इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि जब भी देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ, मैंने कहा था जब भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये मैंने उस पूरे रीजन को शेड कर दिया, उस पूरे रीजन को मैं आप छोटा बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, मैंने इसको यहाँ पे पूरा शेड कर दिया। आप ध्यान से देखो तो ये ट्रेपीजियम बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, ये ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम बना लो या फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये आपका ट्राइंगल और ये आपका रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी दो पार्ट है हमारे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है इसका, ये वाला टी, और हाइट कितनी है आपकी, विमानस यू। सो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। तो बेस कितना है आपका टी, और हाइट कितनी है आपकी, बी माइनस यू, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, वो तो आपको सिंपल ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये कितनी आपकी यू, और ये कितनी आपकी ए, ये कितनी आपकी टी, तो कितना आ गया आपका यू टी, ठीक है। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा काम चल रहा है। इस डायग्राम को रेफर हम कर सकते हैं, पिछले वाले पे हम ऑलरेडी बना चुके थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो वो आपको बना लेना है। उसके बाद आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस, बेस का मतलब ये वाला पार्ट हो गया जो टी है आपका, और ये वाला पार्ट क्या आपका हाइट है, तो हाइट क्या हुई आपकी ये वाली पार्ट, यानी बी माइनस यू प्लस यू टी, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं यू टी प्लस 1/2 टी, अब बाय इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू क्या था आपका ए टी, तो यहां पर आ गया आपका ए टी। तो फॉर्मूले क्या बन गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर टू, कौन सी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर टू। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रिवाइज कर लेना, रिवाइंड कर लेना अगर आपको लगे कि हाँ दोबारा समझना है आपको। अब आपको थर्ड इक्वेशन निकालनी, थर्ड इक्वेशन आपकी टू से निकल जाएगी, किस निकल जाएगी, वो आपकी टू से ही निकल जाएगी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले को हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन को क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से, क्योंकि वो आपका एक ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका रेक्टेंगल और एक आपका क्या होता है वहां पे ट्राइंगल। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर मैं फिर से बनाकर देख लूं इस तरीके से ही, ये बन गया ट्रेपीजियम, ये तो पहला साइड ये वाली है। सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब वी प्लस यू, वी ये पूरा कितना आपका वी, और ये कितना आपका यू, तो वी प्लस यू और इनटू हाइट। अब इसके लिए अगर ट्रेपीजियम ऐसे है तो हाइट क्या रहेगी, ये वाला पार्ट, तो आप क्या रही टी, क्या रही आपकी ये टी, और ये क्या है आपकी डिस्टेंस, एस इजिकल टू 1/2। अब वी प्लस यू इजिकल टी, अगर आपने पहले क्वेश्चन को हम देखें यहां पे, तो टी की वैल्यू क्या है यहां पे, इसको हम इधर ले जाएं तो वी प्लस यू, और टी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है बच्चों। कितना सिंपल हो गया देखो यहां पे, तो ये आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, यहां आ गया 2as, ये बन जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने मोशन की तीनों इक्वेशंस को ड्राइव कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से, फिर ग्राफिकल मेथड, ये आपको ग्राफिकल मेथड से हमने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत होती है तो डोंट हेजिटेट टू पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और फिर हमने मोशन की तीनों इक्वेशन को ड्राइव कर लिया विद दिस मेथड, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे एंड बाय बाय फॉर नाउ।